हेलो गाइस, आप देख रहे हैं VMK टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस फिंगरप्रिंट बेस्ड डोर लॉक सिस्टम को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लाई बोर्ड लेते हैं और फिर इसके बाद हम फिंगरप्रिंट सेंसर लेते हैं जिसमें 6 पिन होती हैं और हम लास्ट के 2 पिन्स को अभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम इन्हें फोल्ड कर देते हैं और फिर इसके बाद हम इसे इसी प्लाई बोर्ड में चिपका देते हैं 12-sided टेप से। और फिर इसके बाद हम आर्डिनो UNO बोर्ड लेंगे और इसे भी हम इसी प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देंगे, ठीक है। और फिर हम इसे स्क्रू ड्राइवर एंड स्क्रू के थ्रू इसे स्टेबल कर देंगे और फिर इसके बाद हम डोर लॉक लेंगे, ठीक है ना, और इसे भी हम इसी प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देंगे। इसके बाद हम 4-channel 5-volt रिले किट लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही रिले का यूज़ करेंगे और इसे भी हम इसी प्लाई में स्टेबल कर देंगे। और फिर इसके बाद हम 9-volt बैटरी लेंगे, ये चार्जेबल बैटरी हमने 2 बैटरीज को यूज़ करके बनाया है और इसमें एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं। हम फिंगरप्रिंट सेंसर की VCC पिन को आर्डिनो की 5-volt पिन में कनेक्ट कर देंगे और फिंगरप्रिंट सेंसर की ग्राउंड पिन को हम आर्डिनो के ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। TX पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे एंड RX को आर्डिनो की पिन नंबर 3 से कनेक्ट करेंगे। अब हम रिले के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे, तो रिले के ग्राउंड पिन को हम आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करेंगे और रिले की VCC पिन को हम आर्डिनो की 5-volt पिन में कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद रिले की इनपुट 1 पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 8 में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। तो हमने इसमें OTG केबल को कनेक्ट कर लिया और सभी हमने जम्पर पिन को हटा दिया है, तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। तो हम सबसे पहले इस कोड को अपलोड करने से पहले हम दूसरा कोड इसमें अपलोड करेंगे। तो हम एग्जाम्पल में जाएंगे और फिंगरप्रिंट सेंसर में और एनरोल में जाएंगे और इसे हम इस प्रोग्राम को हम इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इसलिए हम अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले अपने फिंगरप्रिंट को हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर में स्टोर करना है। तो हम कई सारे अपने फिंगरप्रिंट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हमने इसमें प्रोग्राम को अपलोड कर दिया और फिर से हमने कनेक्शन कर दिए हैं और हम सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं और फिर हम सीरियल मॉनिटर के सर्च बार में 1 टैप करेंगे और फिर इसे सेंड करेंगे, यानी हमें फर्स्ट फिंगरप्रिंट को इसमें स्टोर करना है। तो हम इसमें डबल बार अपने फिंगरप्रिंट को लगाएंगे तो इसमें हमारा फिंगरप्रिंट स्टोर हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे कनेक्शन फिर से निकाल देंगे और फिर इसके बाद हम फिर मेन कोड जो हमारा है उसे हम अपने इस आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर देते हैं। तो हमने इस कोड को अपलोड कर दिया है। अब हम फिर से अपने सारे कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे और फिर अब हम बैटरी के कनेक्शन और अपने जो डोर लॉक के कनेक्शन अब हम रिले से करेंगे, रिले के आउटपुट पिन में। तो हम सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव को अपने डोर लॉक के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और डोर लॉक का नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव। अब हम बैटरी का नेगेटिव जो है वो हमने रिले के आउटपुट में कॉमन पिन में कनेक्ट कर दिया है और डोर लॉक का नेगेटिव हमने रिले के नॉर्मली क्लोज पिन में कनेक्ट कर दिया। अब हम आर्डिनो बोर्ड में पावर सप्लाई 9-volt बैटरी से देंगे, तो इसी के थ्रू सभी सिस्टम में पावर सप्लाई 9-volt बैटरी से ही चली जाएगी। अब हम जैसे ही फिंगरप्रिंट पे अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ये डोर लॉक वर्क करने लगता है। जैसे ही हम इस पर अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो हमारा डोर लॉक ओपन हो जाएगा और जैसे ही हटाएंगे तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी टेस्टिंग करके, तो देखिए अब ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे ही हम इस पर फिंगरप्रिंट को लगाएंगे तो ये हमारे डोर लॉक को ऑन कर देगा। तो हमने जैसे ही फिंगरप्रिंट लगाया तो हमारा ये लॉक ऑन हो गया और ये फिर ओपन हो गया। अब हम फिर से लॉक कर देते हैं। जब तक हम अपने जो स्टोर है फिंगरप्रिंट उसी को नहीं लगाएंगे तब तक ये ऑन नहीं करेगा। जैसे हम दूसरा अपना फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं तो ये ऑन नहीं कर रहा है, यानी ये लॉक ऑफ ही है, तो इस वजह से हमारा डोर ओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम फिंगरप्रिंट डोर लॉक सिस्टम बना सकते हैं।